हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबन का मेरे पैलक प्रणाम और आप सबन का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकी रावत व्लॉग में। तो दोस्तों, आजकल डेली डेली व्लॉग आ रहे हैं काफ़ी अच्छे। सावन की खूब धूम हो रही है और सच बताओ तो इतना इंजॉय मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मतलब वैसे तो हमने काफ़ी इंजॉय किया है, हम लोग इधर उधर जाते हैं, खूब नाच गाना करते हैं, लेकिन भजनों में मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया। मतलब आज ज़िंदगी में पहली बार ये वाला महीना मेरा काफ़ी अच्छा गया, जिसमें हमने मतलब भगवान को भी टाइम दिया, क्योंकि घर में तो हम डेली जलाते हैं दिया, मतलब 5 मिनट बैठे और दिया बत्ती करी, भगवान का नाम याद लें, लेकिन इतने हर्षोल्लास के साथ कीर्तन गा करके और रोज़ नई नई साड़ी पहन करके हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए, तो ये मतलब पहली बार मैंने इस टाइप से इन्जॉय किया, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरा जो है ये वाला महीना काफ़ी अच्छा किया। भगवान भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखे और हमेशा आपके साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे। तो आज का व्लॉग जो है मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रोज़ हम सावन में इधर उधर जा रहे थे, खूब अच्छे अच्छे व्लॉग मैंने आपको दिखाए, तो आज का थोड़ा सा बीच में ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे छोटे वाले का। तो अभी मैं बना रही हूँ सेल, क्योंकि शाम को क्या होता है सेल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और आज जो है मेरे सास ससुर भी आ रहे हैं, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं। वैसे भी जो नाती पोते होते हैं वो अपने दादा दादी नाना नानी से काफ़ी खुश होते हैं, तो मेरे बच्चे काफ़ी खुश हैं कि दादा दादी आ रहे हैं और उन्हें दादा दादी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज अभी तो स्कूल गए हैं और पक्का उन्हें स्कूल से मतलब स्कूल में ऐसा हो रहा होगा कि मैं कब घर पहुंचूं और कब मैं दादा दादी से मिलूं और कब जल्दी से मतलब 3-4 बज जाए, क्योंकि 4 बजे तक पहुंच ही जाएंगे वैसे पापा। तो अभी मैं बना रही हूं सेल और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, मार्केट जाना है, मार्केट से लाना है, थोड़ा सा केक का ऑर्डर देना है और बेटी के लिए कपड़े लेने हैं, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था, डेली डेली व्लॉग हो रहे थे, इधर उधर जाना पड़ रहा था कीर्तनों में, तो उसके लिए मतलब मैं शॉपिंग नहीं कर पाई फिलहाल। तो अभी एक ही घंटा है मेरे पास, एक घंटे में जितना होगा उतना मैं करूँगी, ठीक है, और मेरे व्लॉग से जुड़े रहना। और तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं रख देती हूँ किचन में ऑयल, रख देती हूँ कढ़ाई में, ठीक है, और सेल तो आपने देखी है मैं कैसे बनाती हूँ, थोड़ा माइंड लगा करके उससे जल्दी जल्दी बन जाती है पॉलीथिन में डाल करके, ठीक है। तो चलिए मैं तेल वेल रखती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सेल बनाना स्टार्ट। मेरा दक्ष जो है स्कूल से आ चुका है, कैसा रहा? बच्चों ने विश किया आपको? कैसे किया, कैसे बोला बताओ तो जरा, बताओ कैसे बोला बच्चों ने? बर्थडे और क्या बोला? इतना तो मैंने बोला कि हाँ आदर्श को विश करो लंच में। तो कैसे विश किया सबने? Happy birthday to you। और मुझे पूरी सिफ्ट भी मिली थी। फिर मैंने खा ली, फिर दूसरी भी तीसरी आई। अच्छा, 4 बच्ची है ना? अच्छा, ये देखिए दोस्तों, इसके माथे पर चोट लगी थी ना, तो उससे स्वेलिंग आ रही थी इसकी आईज के नीचे। अब तो ठीक भी बना लिए। अरे नोजी में भी दाना कब ठीक होगा ये? फ्रेंड आ गई हूँ मैं मार्केट और कपड़े वपड़े मैंने चेंज नहीं करे क्या? ठीक है, तो ऐसे आगे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे मार्केट, यहीं पर ही देखते हैं भैया के वहाँ अगर मिल जाता है तो, क्योंकि घर में अभी बहुत काम पड़ा है। तो हम 2 ही मिनट पर पहुँच गए मार्केट स्कूटी से। नमस्ते भैया, ठीक हो? बस बढ़िया, आप ठीक है? हाँ, आज छुट्टी ले रखी है? नाइट है बेटा, कपड़े।
लग रहा है। अच्छा कलर देख लो, ये कलर सही लग रहा है। और देखो कोई जो उसने ना पहना हो, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो कलर से मैच करेगा रेनबो। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, हल्का कलर है, डार्क थोड़ा है, सांवला है ना। लेकिन इसके पीछे से खाली इतना है, ये वैसे नहीं है, मुझे नहीं है। जैसे ये है ना कपड़ा, मुलायम भी है और बढ़िया भी है और डिजाइन भी है। देख लो फीसी में बड़ा तो नहीं हो गए, 36 है, वैसे ओवर साइज है आता है आज। हाँ वैसे टी शर्ट ऐसी अच्छी लगती है। आप अगर नॉर्मल भी पहनाओगे तो 36 नॉर्मल आएगी उसको, लेकिन ये क्या है ओवर साइज दे रखा है तो अब आपको बड़ा लग रहा है। ये तो नॉर्मल में 36 तो कुछ भी नहीं ठहरा। जो आप इसके लिए ले जा रहे हो ना, जो आप बड़ी हो जाएगी बोल रहे थे, वो भी ओवर साइज ही है। आजकल फैशन ही वही चला है ना ओवर साइज का। टी शर्ट वैसे भी ओवर साइज ही अच्छी लगती है। हाँ टी शर्ट में से ओवर साइज ही बड़े, अब चेक वाली एकदम क्या ये बाजू आती है उसमें। जैसे बच्चों के लिए उसमें नहीं है, वो भी है। और फ्रेंड यहाँ पर हस्बैंड जी देख रहे हैं मेरे टी शर्ट, लेकिन इनको तो पसंद मुश्किल से ही आती है। हाँ सेम साइज है, पहन लो। ऐसा है सही है, ये आपकी ड्यूटी में भी काम आएगा। अभी मैं ऐसे पहन के जा सकते ना, गोल गला तो नहीं चलेगा आपका उसमें, ना 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 कॉलर चल जाने वाला है। इसमें उतना मजा नहीं आ रहा। अब ये तो परमानेंट पहनने वाले ठहरे, यही अच्छा लग रहा है। ये आप वर्दी के साथ ही पहनते हो ना, तब इनको कैसा लग रहा है। ठीक आएगा, वैसे भी नीचे से ग्रिप है ना इसमें तो लंबा होता भी नहीं है। भैया लगा रहे हैं यहाँ पर हिसाब किताब, ठीक ठाक लगाना। इतने आइटम ना बस ही है, एक दो तीन दस ही हो गए। टोटल हो रहे हैं आपके 3750 देने वाले। बाप रे 3750 जी। ये मैंने 120 एक अच्छे एक कम कर दो। वैसे भी मेरा ना हमेशा का रिकॉर्ड है, जब भी कपड़े लेती आती हूँ मेरा 3-4 हजार से नीचे बिल आता ही नहीं है। तो नहीं चला। 50 रुपए मिले। एक टी शर्ट लेने आई थी और एक टी शर्ट लेने के लिए आई थी और हाँ 4 हजार का बिल बैठ गया 3500 का। सर की वार्ड लगा दी आपने और क्या। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है,
तुम्हारे लिए भी है। सबसे ज्यादा महंगा आइटम इनका ही है और बच्चों का है सारा आइटम। मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो आप बता देना, अगर कुछ भूले होगे तो घर में देख लेना, फोन कर देना मेरे को, ये नहीं आया। और फ्रेंड मार्केट से मैं आ गई हूँ और अभी मम्मी लोगों का फोन भी आया था, वो लोग पहुँच चुके हैं गुरना माता मंदिर और मेरे बेटे इतने एक्साइटेड हैं कि कब पहुँचे दादा दादी और कब मैं अपने दादा के साथ घूमने के लिए जाऊँ, क्योंकि पापा को जैसे पापा पिछली बार भी आए थे तो इन्होंने मतलब बच्चों ने पापा को घर में बैठने ही नहीं दिया मार्केट ले जाने। सबसे शैतान तो ये बड़ा वाला बेटा है मेरा। क्या हुआ, लड़ाई नहीं करते हैं तो इसके लिए मैं लाई हूँ टी शर्ट, चेक कर रहा है। चलो पहन के दिखाओ, इसके लिए इतने कपड़े बनाती हूँ फिर भी सारे कपड़े ऐसे कर देता है। मत करो दक्षु, आज आपका बर्थडे है ना, तो शैतानी नहीं करते हैं ना। जिसका बर्थडे होता है उसकी मर्जी चलती है। अच्छा, जिसका बर्थडे होता है उसकी मर्जी चलती है, इट मीन्स आप शैतानी करते रहोगे। ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, अगर बात माननी है और बड़ों का तो कहना नहीं मानोगे, नहीं करना है तो नहीं। और आप मेरी बात नहीं मानोगे? बात मानते थे। देखो अभी आपके लिए न्यू कपड़े लेके आए। हाँ दादी का फोन, क्योंकि ये बच्चे ना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बंद कर रखा है, टीवी भी, कंप्यूटर भी, फोन भी, फोन खुला टीवी। और दोस्तों मम्मी पापा लोग पहुंच चुके हैं और वैभव को जैसे पता चला कि दादा दादी आ गए हैं तो वो तुरंत गया दौड़ करके अपनी दादा दादी को लेने के लिए और उनका कर रहा है यहाँ पर वेट, क्योंकि गाड़ी जो है यहीं पर ही तक आएगी। चलो 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 चलो, कुछ लेके आ रहा है दादा को। तुम्हें पैर छू लिया दादा के? चाय और ये वेट कर रहा है चॉकलेट का, बिना चॉकलेट खाए नहीं जाएगा ट्यूशन। मन तो हो नहीं रहा होगा इसका ट्यूशन जाने का। प्लीज मारोगे आप? प्लीज वैसे इस महीने बहुत एब्सेंट हुआ है तो मैं खोलूंगी भाई। और दोस्तों पापा लाए हैं लिंगड़े, तो आज जो है मैं लिंगड़े की सब्जी बनाने वाली हूँ रात को। और देखिए मैं सोची थी कि मैं ये लेकर के आती हूँ, क्योंकि पापा को ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चलो गांधी चौक चलते हैं, गांधी चौक में मिल रही है। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कल सुबह ले आऊँगा, लेकिन ये देखिए पापा खुद ही लेकर के आ गए ये वाली सब्जी। तो दोस्तों सब्जी जो है मैंने चढ़ा दी है, लिंगड़े की सब्जी मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। और कुकर में मैंने रखी है आलू और तुरई की सब्जी, थोड़ी सी सूप वाली, क्योंकि एक सूखी सब्जी हो जाएगी और साथ में थोड़ी सी तरी वाली सब्जी हो जाएगी। पहले मेरे हस्बैंड पनीर ला रहे थे, पनीर मैंने मना कर दिया क्योंकि पनीर खा खा के बोर हो गए हैं। वैसे तैयार हो भी दूध वाली चीज़ें ज़्यादा खाने में। जब छोटे की क्लास तभी आए, क्लास ही नहीं छुट्टी होगी अभी। आ गया क्या, वहाँ खेला नहीं वैभव? आज खेल नहीं करा? आज खेल नहीं करा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
और यहाँ पर मम्मी जो है दक्षु की फोटोज ले रही है, फिर मम्मी इसको ग्रुप में सेंड कर देंगी और अपने स्टेटस पर लगाएंगी। Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. और फ्रेंड यहाँ पर बेबू के लिए जो है नए कपड़े लेकर के आई है दादी। और ये राखियाँ भेजी है हमारी छोटी ने, निहारिका ने, और साथ में भेजा है एक कार्ड खुद अपने हाथों से बनाया हुआ। और ये रहा दक्षु का प्यारा सा केक। क्या ये डोरेमोन है क्या? तो दोस्तों दक्षु का बर्थडे जो है हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो मैंने जो है किसी को नहीं बुलाया। और वैसे जो है ना मुझे ये बर्थडे वगैरह मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ये वेस्टेज लगता है। और वैसे भी अगर हम जितना हम इसमें खर्चा करते हैं, अगर हम किसी ज़रूरतमंद की हम ज़रूरत पूरी कर सकें तो उससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। उसकी ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी, हमारे बच्चे को मिलेगी, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और वैसे तो खैर मैं ज़्यादा किसी को बुलाती नहीं हूँ, ये बच्चों के साथ के आते हैं, लेकिन क्या हुआ है आज कोई आया भी नहीं, क्योंकि सबके सब बीमार हैं। और दो तीन ही लोग हैं जो नहीं आए हैं, क्योंकि जो हमेशा आते हैं तो वो जो है ज़रा बीमार चल रहे हैं, और कोई नहीं जो, तो ज़रा मम्मी पापा लोग आ गए तो तब हमने ऐसे सेलिब्रेट किया, उतना ज़्यादा वो नहीं किया। तो वैसे तो हम पेस्ट्री लाने वाले थे और बस वो करने वाले थे, मैंने सोचा था कि मंदिर अंदिर में जा कर के दक्षु के नाम का कुछ चढ़ा देंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चों का मन रखने के लिए। बच्चे मेरा बेटा सुबह कह रहा था, मैंने बेटे को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा बेटा आज केक वेक नहीं कट करते, आज पेस्ट्री लाएंगे। उसने कहा नहीं मम्मा मुझे तो मनाना है, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। और जबकि उसके अगल बगल में दोस्त तो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है गोलू, बाकी तो सब उससे बड़े हैं। और फ्रेंड इसका वैसे गोलू ही है, तो गोलू को तो इसने बुलाया ही था। और साथ में एक मेरे बड़े वाले बेटे के साथ के थे बच्चे, जो मतलब बीमार चल रहे थे वो नहीं आए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बर्थडे हम मनाते हैं तो मतलब क्या खुशी होती है, उतना तो हमारा साल पीछे होता रहता है। मतलब जो हमें भगवान ने जो हमें आयु सीमा दे रखी है उसके इतने साल समझ लो कि कम हो गए, तो इसलिए मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता बर्थडे सेलिब्रेट करना। चलो कोई नहीं, बच्चों की खुशी के लिए केक कट कर दिया, तो बच्चे खुश तो हम भी खुश। और लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम जो इतना इसमें वेस्ट करते हैं, अगर हम किसी गरीब की ज़रूरत को पूरा कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं देती हूँ बच्चों को केक और थोड़ा सा पड़ोस में भी बांट के आ जाऊँ, और मम्मी पापा लोगों को खिला देती हूँ खाना, क्योंकि रास्ते भर में थक गए थे और उन्होंने आराम भी नहीं करा। तो अब जब टाइम से हम लोग खाना वाना खाते हैं फिर सोते हैं, और आपसे मिलती हूँ कल के दिन एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ यार कर देना जल्दी से सब्सक्राइब। वैसे तो मुझे टाइम नहीं हो रहा है ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मम्मी पापा लोग आए हैं, काफ़ी काम होते हैं, तो 24 घंटे फ़ोन हाथ में रख नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।